नमस्कार दोस्तों, एनके फंक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओजोन कंपनी का कंसील्ड डोर क्लोज़र लगाने वाले हैं और इसको किस तरीके से फिटिंग करते हैं, हमने इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दे रखी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ओजोन कंपनी का ये कंसील्ड डोर क्लोज़र है, तो हम इसको खोलेंगे बॉक्स को। और ये देखिए, सबसे पहले अपना ये डोर क्लोज़र है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और इसके साथ हमें एक मैनुअल बुक मिलती है, जिसको पढ़कर और इस डोर क्लोज़र को अपन फिटिंग कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इसको साइड में रख लेते हैं। और हमें एक ऊपर के लिए रॉड मिलती है और एक ये पत्ती मिलती है, और इसके साथ जो अपने स्क्रू नट बोल्ट है ये मिल जाते हैं। दोस्तों, डोर क्लोज़र लगाते वक्त हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो डोर क्लोज़र लेफ़्ट हैंड का है या राइट हैंड का, और अपने ये डोर पे राइट हैंड पे लग रहा है या लेफ़्ट हैंड पे। तो हमारे हिसाब से ये जो डोर क्लोज़र है वो लेफ़्ट हैंड का है और हमारे लग रहा है राइट हैंड पे। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, राइट हैंड पे इसको सेट कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये जो पत्ती है इसको यहाँ से खोल कर और वापस से हम इसको नीचे की तरफ फिट कर देते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी समय से ओजोन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हमें इनके प्रोजेक्ट की क्वालिटी और फिटिंग करने का सिस्टम बहुत पसंद आया। और हमारे साइट पर ओजोन कंपनी के कंसील्ड डोर क्लोज़र लगने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए इसका एक वीडियो बनाया जाए। जैसे कि दोस्तों इस ड्राइंग में दे रखा है कि जो अपना डोर की साइट आती है वहाँ से इसको 70 mm छोड़कर और इस बॉडी का खांचा निकाल देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अपना लगभग 70 mm 2.5 इंची के आसपास हो जाता है, तो हमने क्या किया, एक 2.5 इंची पर निशान लगा लिया है और वापस से इस पत्ती को यहाँ पे सेट करके और जो अपनी बॉडी आती है उसके दोनों तरफ हमने निशान कर लिए हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसको 0.5 इंची से यहाँ से डाउन करके और इस बॉडी का खांचा निकाल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इसका खांचा निकाल लिया था, और हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस डोर क्लोज़र की बॉडी को फंसा कर और वापस से जो अपनी पट्टी के निशान है इसको यहाँ कर लेते हैं और वापस से इसकी 0.5 इंची गहरा इस पट्टी को कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। जैसे कि दोस्तों हमने इस डोर क्लोज़र को भी टाइट कर लिया था, प्लस अपने डोर को भी टाइट कर लिया है। और देखिए, जो अपना ऊपर वाली रॉड है इसके अंदर और पातान के अंदर लगभग 1.5 फुट का गैप है, तो ये आराम से चल जाएगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो ऊपर वाली पत्ती है इसका भी खड्डा कर लेते हैं। दोस्तों, जो अपनी ऊपर वाली पट्टी है इसको लगभग हम पेताम से 1.5 इंची छोड़ कर और इसका खड्डा निकाल लेते हैं। और ये पेताम का लेवल और ये पट्टी का लेवल दोनों एक लेवल आ जाना चाहिए, इस तरीके से हम इसका खड्डा कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने इसका अच्छे तरीके से खड्डा निकाल लिया है, और अब हम क्या करने वाले हैं, जो इसका लॉक आता है इसके अंदर इसको फंसा देंगे और वापस से इस चैनल को इसके अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद हम एक एक पेच इसके अंदर टाइट कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसकी ऊपर जो डोर क्लोज़र की पत्ती आती है इसको यहाँ पे रख देते हैं, और इसके साथ हमें एक वाइसर और नट मिलता है, तो वापस से इसको ऊपर से टाइट कर देते हैं। अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया इसको,
अब दोस्तों हमने जो पत्ती लगाई है तो ये क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाकर और वापस से जो हमने डोर इसके चैनल के अंदर एक लॉक लगाया था यहाँ पे, इसको रख कर और वापस से इसको भी टाइट कर लेते हैं। इसके साथ हमें एक नट मिलता है तो हम नीचे की तरफ से इसको टाइट कर लेते हैं। और इसके साथ हमें एक एलंकी भी मिली है, उसकी मदद से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट करने वाले हैं। जैसे कि हमने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है, और अब हम इसको दरवाजे को बंद करके देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम इसको बंद करके देखते हैं, छोड़ दो भाई। तो जैसे कि लगभग इसकी स्पीड कंपनी से जो सेट आती है वो ठीक है, तो हम इसको कुछ छेड़ने वाले नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका लॉक का और सिस्टम चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसके साथ एक लॉक मिलता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यूज कर लेते हैं। और जो अपना दरवाजा है इसको जहाँ पे रोकना है 90 डिग्री में, तो उस जगह पे इसको सेट करके और इसको आगे की तरफ फंसा देंगे इसके अंदर, और वापस से इसको नट को टाइट कर देंगे। तो ये अपने 90 डिग्री में रुक जाएगा। तो इस जगह पे ये सेट कर लेते हैं और वापस से इसको ऐसे खोलेंगे तो ये लगभग हमारे 90 डिग्री में सेट हो चुका है। और वापस से इसको अच्छी तरीके से हम एलंकी की मदद से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा डोर क्लोजर लग चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी हमारा डोर क्लोजर नजर आ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस डोर पर दोनों तरफ से 4 mm विनियर लगाने वाले हैं। तो उसको लगाने के बाद ये हमारा डोर क्लोजर इसके अंदर छिप जाएगा। और अगर हम इस पर लेमिनेट लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ये जो इसकी थिकनेस आती है 25 mm वाला डोर क्लोजर आता है, उसका खड्डा हम जिस तरीके से लॉक का खड्डा करते हैं उस तरीके से खड्डा करके और उसको फिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।